Yes, in the class 9th math, today we are revise the exercise 7.1. Exercise 7.1 पहले हमने जो हमारे एग्जाम्स थे उनसे पहले कंप्लीट कर ली थी, वैसे दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं, हल्का सा रिवीजन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ये दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल बी ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो देखिए ये फिगर है हमारा ए सी बी डी, एक हमारी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें हमारे पास ए सी और बी डी क्या दे रखी है, ए सी और ए डी दोनों हमें इक्वल गिवन है, ओके। और जो ये ए बी है, ए बी इज बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी एंगल वन और टू क्या है, ये भी इक्वल है, दोनों क्या है, ये इक्वल है हमारे, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो एक पार्ट तो ये हो गया ए सी और ए डी, दूसरा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तीसरा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, हो जाएगा बेटे, हो जाएगा, समझ आ गया, तीनों चीजें मिल गई ना। अच्छा ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर टू चलेगा, फिर क्वेश्चन नंबर टू चलो यहां कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ये फिगर है हमारे क्वेश्चन नंबर टू की, ए बी सी डी क्या है, ये इस तरह से हमारी फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। देखिए फिगर में ए डी जो है वो बी सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल पूरा, डी ए बी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए, सी सी बी ए इस पूरे एंगल के इक्वल है भैया, है इक्वल, समझ आया। तो हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल कौन से वाली, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी, ए बी डी ये ऊपर वाली ट्रायंगल इस नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो देखिए ये और ये साइड इक्वल है, ये एंगल वन पूरा का पूरा, ये एंगल टू इक्वल है, और ये ए बी क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, हो गए, तीनों तीनों फैक्ट मिल गए हमें, इससे कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, इक्वल परपेंडिकुलर है ये, तो देखिए ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये साइड इसके इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल गिवन है, एंगल वन और टू परपेंडिकुलर भी है तो इक्वल हो गया, ठीक है, एंगल थ्री और फोर, ये थ्री ले लेंगे, ये फोर ले लेंगे, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मिल गए तीनों फैक्ट, और हमें कॉन्ग्रुएंट कर देना है, और दिखाना, ये प्रूव हो जाएगा कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है बाइसेक्ट करता है ए बी को, यानी ओ बी और ओ ए को हमें इक्वल करना है, बीच में बोलेगा नहीं कोई भी बेटे, ठीक है, कौन बोल रहा है, माइक बंद रखिए अपना, बाद में प्रॉब्लम पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में भी ऐसे ही करना है और फाइव में भी ऐसे ही करना है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में देख लीजिए, एल एंड एम पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल वन टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थ्री फोर दोनों इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये ए डी ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सिंपल ना। आगे देख लीजिए इनके अंदर क्या है, जो इसके अंदर है ए पी बी के अंदर, ये एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं दोनों के दोनों, परपेंडिकुलर हैं, एंगल 1 और 2 इक्वल है, ठीक है, और एल इज बाइसेक्टर, एंगल 3 और 4 भी इक्वल है, और ये कॉमन हो गई बीच में से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये भी हो गया, हो गया सारा। आज पहले पांच क्वेश्चन आप कर ले, 6 7 8 आपका होमवर्क है, पांच मैंने बता दिए, 6 7 8 होमवर्क के फॉर्म में आप कर ले, ना आए तो समझ लें, ठीक है। और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।